मित्रों आ गए हम लोग कंदरिया के तीसरे मंदिर में, जो मंदिर जगदम्बी मंदिर के सदृश बताया जाता है ये। और ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है, याद रखिएगा, भगवान सूर्य को समर्पित है। आइए देखते हैं, पहले विस्तार से जानकारी ले लें फिर अंदर देखेंगे। सूर्य को समर्पित है जिसमें प्रदक्षिणा पथ रहित है, यानी प्रदक्षिणा पथ नहीं है, गर्भगृह है, अंतराल है, तीन ओर वातानुयुक्त महामंडप और अधिमंडप है। इसके गर्भगृह में आकर्षक सूर्य प्रतिमा स्थापित है जिसमें सूर्य को सात अश्वों वाले रथ में दर्शाया गया। कितने? सात अश्वों वाले रथ में, यानी सात घोड़ों वाला रथ है। खजुराहो में केवल यही एक ऐसा मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवार आकर्षक और सुंदर प्रतिमाओं से सज्जित है जिसमें सुर सुंदरियाँ, मिथुन, देवी देवता, साथ ही 11 मस्तकों वाली विष्णु की प्रतिमा अत्यंत ही आकर्षक है। 11 मस्तकों वाली जो दक्षिणी दीवार के एक औले में लगी हुई है, दक्षिण दीवार में औले में देखने को मिल जाएगी। शैली के आधार पर इस मंदिर का निर्माण काल लगभग 1100 से 1025 के मध्य माना जाता है, जो विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण काल के बीच का समय बताया जाता है। ये तो आपके मंदिर की स्टार्टिंग की जानकारी। अब मंदिर के अंदर की बात करेंगे। देख सकते हैं सूर्य को समर्पित है, कंदरिया महादेव के जस्ट बगल में है। आप आएंगे तो यहाँ खजुराहो में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। कैसी अनुपम प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी अंदर, वो भी दिखाएंगे। गर्भगृह है लेकिन प्रतीक्षणा पक्ष नहीं है यहाँ पे। और दीवारों पर कैसी अलंकृति यहाँ पे हुई है आप देख सकते हैं। मंदिर का आंतरिक हिस्सा कैसा है वो दिखाने का प्रयास रहेगा, गर्भगृह आपका कैसा है वो दिखाने का प्रयास रहेगा, क्या चबूतरा है नहीं है, अंदर की कलाकृति कैसी है वो भी दिखाने का प्रयास रहेगा। ऊंचाई देख सकते हैं लगभग कंदरिया से थोड़ा सा छोटा लेकिन अच्छा। साफ सफाई विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये आप जानते हैं भारत सरकार के अंडर में आती है, और वो भी कितनी अच्छी नक्काशी ऊपर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये मंदिर का आंतरिक हिस्सा जहाँ पे जालियाँ लगी हैं, फिर से भारत सरकार सर्वेक्षण दे रही है भाई, और उसके अंदर फिर से ये आपका अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं। फिर से चबूतरा आपको देखने को मिल रहा है ना, चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर जो रचना है उस पर नक्काशी देख सकते हैं कैसी है। और इस नक्काशी के साथ साथ आप देखिए तोरण द्वार, ये आपके विशाल विशाल जो है क्या बने हुए हैं आप जानते हैं ना, खंभे हैं। फिर ये आपकी नक्काशी देख सकते हैं कैसी है। इस नक्काशी के साथ साथ आप गर्भगृह का अंदर दर्शन करवा देते हैं आपको। मंदिर का गर्भगृह बहुत सारे लोग पूछते थे कौन है, देख सकते हैं अंदर का गर्भगृह ये है मित्रों, गर्भगृह आपका ये है, गर्भगृह आपका ये है। फिलहाल ऊंचाई बहुत ज्यादा है और वो नहीं है इसमें, नहीं तो हम जाते अंदर तक, लेकिन सीढ़ियां नहीं बनी है यानी आप नहीं जा सकते, इसके कहने का मतलब यही है। तो अंदर थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कुछ मूर्तियां टूटी फूटी यानी विक्षिप्त अवस्था में है, जैसे ये देख सकते हैं इसका पैर टूट गया है, मुंह भी हट गया है, ऐसे कई हैं। तो इसको अब नुकसान ना हो इसके लिए भारत सरकार सतर्क हो गई। ये मूर्ति का आप देख सकते हैं शीर्ष भाग ही नहीं है, इस मूर्ति का भी वही हाल है, नीचे का हाल। तो ये सब नुकसान ना हो, लोग आते थे यहाँ पे तो घूम के अपने हिसाब से सब एडजस्ट करने में बच जाते थे और इसी में दिक्कत हो जाती थी। मित्रों इसमें कहा गया है जो है प्रदक्षिणा पथ नहीं है, तो देख सकते हैं कंदरिया में आप जैसे एंट्री करते थे इस साइड में आपका प्रदक्षिणा पथ होता था, इसमें नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इसमें आपका प्रदक्षिणा नहीं हो सकता यानी चारों साइडों से घूम नहीं सकते। इसमें नीचे नीचे आप देख सकते हैं दो दो रोशनदान और इसके नीचे भी गुफानुमा आकृति बनाई गई है, सेम ऐसे इधर भी किया गया है। और इस पर सीढ़ी दी गई यानी ऊपर चढ़ने के लिए आपको दिया गया है, ये देख सकते हैं ना ये सीढ़ी है, ये इस पर आप चढ़ सकते हैं, इस पर ये पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 स्टेप पे हैं, हालांकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। सूर्य को समर्पित है यह मंदिर, तो आओ बाहर से देखते हैं कैसा लगता है आपको। और मंदिरों की दीवारों पर आप देख सकते हैं कैसी नक्काशी देखने को मिली है। और ये जाली तो लगी ही है, आप जानते हैं कि जब पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण लेता है वो अपना काम करता है, तो नुकसान ना हो इसके लिए जालियों से ढकने का प्रयास करता ही करता है। मंदिर की ऊंचाई पर्याप्त है, जस्ट कंदरिया के बगल में है, वो आप देख रहे हैं कंदरिया महादेव सबसे ऊंची वाली, उसके बगल में आपने मंदिर देखी, देवी की प्रतिमा थी, और इसे ये सूर्य को समर्पित बताया जा रहा है, तो ये सूर्य को समर्पित मंदिर है आपकी, देख रहे हैं।
दीवारों पर नक्काशी, जिसमें भी बताया गया था देवी देवताओं के अंकन देख सकते हैं। देवी देवता अपने अपने हाथ में कोई कमल लिए है, कोई अपना अस्त्र लिए है, कोई उछ लिए है। उसके साथ नृत्यांगनाओं की बात की गई थी, उन नृत्यांगनाएँ भी आप देख रहे हैं। और जो कहा गया था शेर भालू इन सब का अंकन देख सकते हैं, ये हाथी है, हाथी दिखाई दे रहा है ना, ये हाथी है, ये अश्वरोही है, ये बगल में अश्व है, दिखाई दे रहा है ना, ये देख सकते हैं बढ़िया से। सेना चल रही है, पीछे हाथी है, राजा हैं, देवी देवता हैं, इधर भी हाथियों का अंकन खूब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं ना हाथी, ये हाथी बीच में सैनिक, इधर भी वही, इधर घोड़ा है, इधर घोड़ा है, इधर हाथी है, इधर घोड़ा है। तो ये सब अंकन आपका हुआ है। थोड़ा ऊपर से दिखाने का प्रयास है कैसा लगता है ये दृश्य आपको, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका ये मंदिर है। और मंदिर प्रांगण का बाहर का हिस्सा भी बहुत वातावरणीय है, बहुत शांतिमय है, खास करके जब सर्वेक्षण इसको मिल जाता है ना पुरातत्व विभाग का, तो फिर इसको नुकसान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी जाती है। मंदिर की ऊंचाई देख सकते हैं, सूर्य को समर्पित बताया गया है पूरा मंदिर, तो सूर्य को समर्पित है। नक्काशी आप देख सकते हैं, मूर्तिकला का प्रथम उदाहरण कैसे देखने को मिलता है आप यहाँ देख सकते हैं, कितनी बारीक बारीक रेखाओं के साथ इसका चित्रण हुआ है, ठीक है, कितने अच्छे से नक्काशी की गई होगी, देख सकते हैं। ये वाली रचना देखो, ये वाली देख रहे हैं, इतने नुकीले नुकीले पत्थर हैं ये, इतनी बारीक रेखांकन, इतने बारीक जो है कृतियों को सजाना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ दुर्लभ भी नहीं है, क्योंकि कब 1025 के आसपास बना था, आज से 1000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, 1000 वर्ष पहले ऐसा मंदिर आपके भारत देश के छतरपुर में, छतरपुर के खजुराहो में, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, आओ आराम से देखो, देख सकते हैं बहुत अच्छा जो है ये पूरा मंदिर प्रांगण है। आस पड़ोस बढ़िया वन है, यानी जो जंगल टाइप का है, जिसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्क है, तो पार्क तो है ही मित्रों, वातावरण को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त पौधे लगाए गए हैं, और पौधों में अच्छे अच्छे पौधे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो आपको वही दें ऑक्सीजन और सब दें, ठीक है, प्रकृति के लिए लाभकारी हों उनको लगाया गया है, झाड़ियाँ भी हैं, बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएँ हैं, अंदर खाने पीने के लिए एक कैंटीन मिलती है, बाहर से आप कुछ नहीं ला सकते हैं, गेट पे आपको एक टिकट लेना होगा, फिर दर्शन करने के लिए आना होगा। तो इस टाइप को ये सूर्य को समर्पित आपका मंदिर देखने को मिल सकता है, ये आपने देखा, मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा देख लीजिए, देख रहे हैं ना सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सब कुछ इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। मंदिर का गर्भगृह हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करेंगे, देख रहे हैं ना, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, देश के विदेश के, विदेशी भी बहुत सारे आते हैं, अदर अदर लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब हम भी बैठ गए हैं फिलहाल, अब चलने का वक्त हो गया है, अभी 2 मंदिर और हैं, उन्हें देखने का प्रयास रहेगा, ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।